विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस को 100 से 105 सीटें मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ अदला बदल हो सकती है, लेकिन इसमें ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टी पहले से ही इस पर काम कर रही है। वडेट्टीवार ने बताया कि महाविकास आघाड़ी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प किया है और 255 सीटों पर समझौता हो चुका है। कुछ सीटें सहयोगी दलों को दी गई है और कुछ आपस में बदली जा रही है, लेकिन इसमें ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टी पहले ही इस पर काम कर रही है। वडेट्टीवार ने बताया कि महाविकास आघाड़ी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है और 255 सीट पर समझौता हो चुका है। कुछ सीटें सहयोगी दलों को दी गई है और कुछ आपस में बदली जा रही है। उन्होंने बताया कि महाविकास आघाड़ी सीटों के बंटवारे में संख्या से ज्यादा मेरिट को प्राथमिकता दे रही है और विदर्भ में 42 से 43 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वडेट्टीवार ने दावा किया कि विदर्भ के क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती से समर्थन मिलेगा और महाराष्ट्र में नई सरकार लाने में विदर्भ की अहम भूमिका रहेगी। चर्चा करण्याची गरज नाही आणि महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र लढण्याचा निर्धार केलेला आहे। काल जवळपास 270 जागावर एकमत झालं, 85 जागा क्लिअर झाल्या, म्हणजे 255 जागा। मित्रपक्षासाठी काही जागा आम्ही सोडल्या आणि काही जागा आपसामध्ये बदल करण्याचा निर्णय आम्ही घेतो आहोत, त्याला एक्सचेंज आपण करू शकू अशी ही चर्चा आमच्यामध्ये झाली। आणि मला वाटतं की आम्ही हे जागा वाटप करत असताना आकडे कोणाला किती आकड्यावर आम्ही गेलो नाही, तर आम्ही मेरिटवर गेलो, कारण संख्या कोणी किती लढवावी, किती जागा कोणी घ्याव्यात यावर आमचं कुठेही आग्रह नव्हता। आम्ही केवळ आणि केवळ मेरिटवर सिलेक्शन कसं होईल याचा विचार केला आणि म्हणूनच विदर्भामध्ये साधारणतः आम्ही 42 ते 43 जागा विदर्भामध्ये आम्ही लढतो आहोत। आणि मला वाटतं की विजयाची मुहूर्तमेळ विदर्भात काँग्रेसचा झेंडा एक मजबूतीनं जनता साथ देईल आणि विधानसभेमध्ये आघाडीची सत्ता आणण्यामध्ये विदर्भाचा मोठा वाटा राहील असं मला वाटतं। वडेट्टीवार ने बताया कि कांग्रेस को 100 से 105 सीटें मिलेगी और आज शाम तक पहली सूची 52 से 54 उम्मीदवारों के नाम घोषित होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि बाकी बची सीटों पर स्क्रीनिंग कल शाम तक दिल्ली में होगी और कांग्रेस की 95% सीटें कल फाइनल हो जाएगी। सस्पेंस जागा अदला बदली करे बोलू शकलो नहीं आणि मित्रपक्षांच्या संदर्भात काही जागांचा आग्रह आहे, त्यामुळे त्या जागा आम्ही होलवर ठेवलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये काँग्रेसचाच जास्ती वाटा राहील का, कारण की 85 म्हणजे काँग्रेस निश्चितच काँग्रेसचा वाटा त्यामध्ये अधिक आहे। 105 पर्यंत काँग्रेस राहील साधारणतः 100-105 दरम्यान राहील असं एकूण या सगळ्या चर्चेमध्ये आम्हाला दिसते, पण आकडा कितीचा असावा, 100 असावा, 120 असावा, यापेक्षा संख्याबळ किंवा किती अधिक जागा पदरात पाडून घेण्यापेक्षा मेरिटवर जागा वाटप हा महत्त्वाचा मुद्दा होता। काँग्रेसची यादी कधी येणार आहे सगळ्यांना? उद्या संध्याकाळी काँग्रेसची पहिली यादी येईल, आज पण पहिली यादी येण्याची शक्यता आहे, 52 लोकांची 54 लोकांची पहिली यादी येण्याची शक्यता आहे आणि त्याच्यावर केंद्रीय निवड समितीमध्ये मान्यतासुद्धा झालेली आहे। आणि उद्या संध्याकाळी दिल्लीमध्ये उर्वरित जागांची स्क्रीनिंग आणि सीसी आहे, म्हणजेच उद्या रात्रीपर्यंत काँग्रेसच्या जवळपास 95% जागा या उद्या संध्याकाळी घोषित होती। वडेट्टीवार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद होगा। महाविकास आघाड़ी का एकमात्र उद्देश्य भ्रष्ट और लुटेरों की टोली को सत्ता से बाहर करना है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दक्षिण नागपुर सीट पर तकरार खत्म हो गई है और यह सीट कांग्रेस को दी गई है, जिसमें नागपुर ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है।
कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।